बैक टू माई चैनल आदिया फैमिली चैनल। कैसे होगा इस आप सब आशा करते हैं आप सभी एकदम ठीक ठाक हो गए। सो यहाँ से मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और देख सकते हो आप पूरा मेला लगा हुआ है और आदिया ना परेशान हो रही है बार बार कि मुझे बलून चाहिए, मुझे ये सब चाहिए और मम्मी लोग सब सामान निकाल रही है। बस मम्मी लोग सारा गाड़ी से सामान वगैरह निकाल रही हैं और दीदी भी यहीं पर खड़ी हैं। तो चलिए आइए चलते हैं हम सभी लोग मंदिर की तरफ। और आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है नायर देवी मंदिर पर। बहुत सारे लोग आते हैं अपनी मान्यता पूरी करने और यहाँ मेला भी लगता है। और मे भी ये मेरा ब्लॉग एक दो दिन बाद जाएगा बट ये गुरुवार के दिन का ही वीडियो है। तो अभी आप देख सकते हो सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं और सब अपनी अपना जहाँ जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो सभी अपना जगह बना करके बैठ जा रहे हैं। और सब आशान माता की जो सुहागने खिलाई जाती हैं, दुर्रिया जो खिलाई जाती है उसको खिला रहे हैं। देख सकते हो आप मंदिर के चारों तरफ कहीं कोई जगह नहीं बची है और यहाँ पर हम लोगों को जगह मिली है क्योंकि हमारी जो दादी जी थी वो सुबह जल्दी आ गई थी और उन्होंने जगह रुका ली थी, वरना शायद ये भी जगह हमको नहीं मिलती। तो बस अभी यहाँ पर सब लोग खड़े हैं और बस सारा अरेंजमेंट कर लें फिर जो है पूजा शुरू करी जाए। और अभी कुछ लोग नहीं आए हुए हैं, जैसे मेरी मौसी सास लोग अभी नहीं आई हुई हैं और कई सारे लोग हैं तो कुछ लोग नहीं आए हैं। तो यहाँ पर मेरी जेठानी जी आ गई हैं, दादी जी आ गई हैं, तो हम लोग सब लोग एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, जो जिससे बड़ा छोटा है। तो अभी ये नई बहू रानी हैं तो ये सबका पैर छू रही हैं और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और मेरा कैमरा कोई और पकड़ेगा तब मैं सबके पैर छूंगी, सबसे मिलूंगी। तो देख सकते हो आप सब लोग यहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं और अब बारी आ गई है मेरी। तो अब यहाँ पर मैं सबके पैर छू रही हूँ। तो जो पैरों में महावर लगाई जाती है तो कुछ लोग लगा कर आए हैं और कुछ लोग नहीं लगा करके आए हैं, तो हम लोग रंग वगैरह लेकर के आ गए हैं कि यहीं बैठ कर लगा लेंगे। अभी मम्मी ने भी अपने पैरों में नहीं लगाया हुआ है तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि मम्मी बैठें एक जगह। और ये देखो मैंने दीदी के पैरों में महावर लगा दी है और हमारे यहाँ महावर लगाने के बाद बड़ों के पैर छूते हैं, तो अभी मेरी नंद है तो मैं इसलिए पैर छू रही हूँ। और यहाँ पर मौसी जी लगी हुई हैं, पैरों में महावर लगा चुकी हूँ, लगता रहे हुआ लगा ले रही हूँ। मम्मी लोग सब लोग लगा चुके हैं और देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा यहाँ मान्यता है, सब लोग पूरा आए हुए हैं। इधर पूरा बनाए भी तो है, पूरे सवाल मियां सब जहां देखो पूरी पूरी सब्जी खूब बने आ रही है। हां ये बने के पूजे में तो हुआ का खूब जने खवा होता बढ़िया है ये तो, जैसे हो देसो नाथ मराते वही तरह, लेकिन हुआ से ज्यादा भी ज्यादा रहत भी। हां अदे का के को मानता पूरी ले देखा कि पूरी टाइम लगवाएगा। हां हां जगह जहां जितनी मानता पूरे जितना जगह समय दे। आदिया इधर आ गए हैं घूमने और इधर देख सकते हो इधर तालाब भी है, पानी भी भरा हुआ है और मम्मी लोग उधर सारी तैयारियां कर रही। तब तक मैं आद्या को लेकर के घुमाने आ गई हूँ और यहाँ आगे ना बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी नेचुरल व्यू है। नेचुरल क्या, पूरा हम लोग आ ही गए हैं और एकदम हरा हरा सा चारों तरफ है और बहुत लोग यहाँ मान्यता मानते हैं, जिसकी भी इच्छा पूरी हो जाती है यहाँ अवसान माता की दुर्दुरैया खिलाता है, भंडारे होते हैं और सब कुछ यहाँ होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सभी लोग अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं और हमारा भी पूरा परिवार आया हुआ है
और एक्चुअली दीदी की शादी की देखनी जो मतलब जब लड़के वाले देखने आते हैं तो वो यहीं पर हुई थी, तो यहीं पर ही दीदी को देखने आए थे सभी लोग। तब मम्मी ने माना हुआ था कि शादी फाइनल हो जाएगी और शादी यहीं होगी जहाँ हम चाह रहे हैं, तो फिर मैं भी यहाँ आ करके अवसान माता की दुधरैया खिलाऊँगी, सुहागने खिलाऊँगी अवसान माता की। तो बस वही खिलाने मम्मी यहाँ आई हुई हैं और देख सकते हो आप पीछे का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद। तो चलो आप लोग भी बैक कैमरे से यहाँ पर सब इंजॉय करिए। और आज ना सुबह से हाँ लोटस, वो देखो अक्षत को लोटस दिख गया है, अक्षत मुझे लोटस दिखा रहा है। तो बेटा जो लोटस है ना वो तालाब में ही खिलता है, देखो ये तालाब में लोटस खिला हुआ है ना, वो देख सकते हैं। अभी बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाते हैं हम बहुत अच्छे से। और आज सुबह से ना मौसम बादल बादल सा हो रखा है, बारिश जैसे लग रहा है कि बारिश होएगी लेकिन बारिश नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। और चलो अभी हम आपको बैक कैमरे से लोटस दिखाते हैं कि कितना अच्छा सा जो है वो तालाब में खिला हुआ है, देख करके ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी बैक कैमरे अभी यहाँ पर अक्षत आद्या को लग गई है भूख, तो यहाँ पर अक्षत आद्या को पापा संभाले हुए हैं और पापा दोनों को जो मैगी में घर से बना कर के ले आई थी वही खिला रहे हैं। और इन लोगों को ना मतलब घर से मैं अक्षत को बोल रही थी कुछ ना कुछ खा लो, बट इसने कुछ भी नहीं खाया। तो अब बच्चे हैं, अब जा कर के इनको भूख लगी है, तो पापा रहते हैं तो मैं काफ़ी फ्री रहती हूँ और फंक्शन को मैं इंजॉय कर पा रही हूँ। और पापा बच्चे यहाँ पर फोटो सेशन भी चलता जा रहा है जिसकी अपना लगी हुई है फोटोग्राफर। वो मम्मी और दादी दोनों पूजा कर रहे हैं, और आपको शोर भी मेरी हो सकता है आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो तो इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था हो गई है, बस वेट हो रहा है हमारी मौसी जी लोगों का। तो अभी हमारी जो मौसी जी लोग हैं वो नहीं आई हुई हैं, उन्हीं सबका वेट हो रहा है। और क्या यहाँ पर भंडारे का खाना बन रहा है, कद्दू की सब्जी ये देख सकते हो, तो उसकी सुनिए कद्दू की सब्जी की महक आ रही है। उनको मैटर मिला था अपने फेसबुक पे, वो कंडा बनाए पड़े हैं कब से बना रहे, कह रहे अक्षत तुम्हारी डाल देते हैं उसमें। पूजा हो गई है, सब लोग ने अवसान माता की पूजा खा ली। हवा इतनी अच्छी चल रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से तो जाने का ही मन नहीं कर रहा, और भीड़ ना बढ़ती ही जा रही है, देखिए इतने सारे लोग खिला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता है। और हवा बहुत अच्छी चल रही है ऊपर, देखिए पेड़ों से हवा इतनी अच्छी चल रही है, और एसी कूलर पंखा सबकी हवा ना नेचुरल एयर के आगे ना फेल हो जाती है, बस वही ज़्यादा हाल हो रहे हैं। और यहाँ पर मौसी लोग सभी लोग काफ़ी छुट्टी हैं, तो बस सब
तो यहाँ पर मेरी जो जेठानी है वो सबके पैर छू रही हैं, क्योंकि इसमें से कई सारे लोग हैं जिनसे वो फर्स्ट टाइम मिल रही हैं। और हमारे यहाँ जो नई बहू होती है वो फर्स्ट टाइम जब बड़ों के पैर छूती है तो उन्हें कुछ ना कुछ दे करके छूती है, तो बस यहाँ पर वही सारी चीज़ें हो रही हैं। और देख सकते हो आप, अब सबका बैग जो है वो पैक होने लगा है, बट अभी किसी को नहीं जाना है क्योंकि अभी ढोलक वाले गाने तो बने ही होना बाकी ही रह गया हो, और मम्मी का कोई भी फंक्शन ना बिना ढोलक वाले गानों के ना अधूरा है। और यहाँ पर आ गई है गर्मा गर्म मेले वाली चाट, तो देख सकते हो मौसी के हाथ में है ट्रे और सब मतलब ट्रे की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो मीठा मीठा खा करके मुंह का टेस्ट हो गया है ना, तो मतलब चटपटी वाली चाट देख करके ना मन कर रहा है कि अब चाट ही खाओ। तो बस हम दोनों देवरानी जेठानी इधर बैठे हुए, मेरी सास है लोग चाट खाने में मस्त, ये गांव की चाट है ठेले वाली, सब लोग आइए सब लोग खाते हैं, यहाँ बैठे से चाट खा रहे हैं अपनी खानी की, यहाँ पर सब मेरी सास लगी हुई है, कुछ बिना मिर्चे की खा रही है कुछ मिर्चे के साथ खा रही है। तो चलिए हम लोग भी खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। बैठिया है ना माली फूल दे थी, उनका दे उनका ना दे उनका दिया तो ऐसा दे दो, बस बहुत है सब। हमारी कॉफ़ी भी आ गई और यहाँ पर फुल पिकनिक हो रही है, घर से निकले आराम से खाते पीते पूरा टाइम। अब देखो मेरे हाथ में कितना ज़्यादा रंग लग गया है, ये चीज़ इसमें लग रहा है मौसी मेरी पूछ रही मुझे चाय मिली कि नहीं, ये है सासू माँ का प्यार। क्या हो मौसी, बिना चीनी के आ गया ना शुगर फ्री कॉफ़ी बनी थी, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए चीनी डाल करके बनी हुई थी, बट मौसी जी को चीनी वाला यहाँ पर मिल गया है, तो वही मौज मस्ती हो रही, हंसी मजाक हो रहा है मौसी के लिए। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, और आप लोगों ने कोरोना का पेड़ देखा है? नहीं देखा है तो आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी कितना अच्छा अच्छा कोरोना फैला हुआ है। और ये देखने में सच में ये फल ऐसे ही लग रहा था जैसे लग रहा था कोरोना ही पेड़ में हो गया है, कोरोना ही फला है, तो अब भैया कोरोना होने के साथ साथ फल भी रहा है। यहाँ पर अब होने जा रहे हैं ढोलक वाले गीत, तो अभी हमारी जो नई दुल्हन है मेरी जेठानी जी मेरे आगे बैठी हुई हैं, तो अब वो गा रही हैं, तो चलो अभी आप गाना इंजॉय करिए और मिल बारिश भी होने लगी, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, काफ़ी अच्छा वाला मौसम हो गया है, और ढोलक में सबके गाने भी खूब चल रहे हैं। और यहाँ एक लेडी जा रही थी ना, तो वो पूछ रही थी कि यहाँ ऊपर क्या फला हुआ है, तो दूसरी वाली ने बोला कि कोरोना है, कोरोना फला हुआ है, तो बुखार को छोटे छोटे से पेड़ लगे कोरोना लगा हुआ है। आद्या जो है वो फूफा के साथ है, उन्होंने इसको बलून दिला दिया है, तो इतनी ज़्यादा खुश है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और काफ़ी कंफर्टेबल ये जाने की तैयारी। तो पिंटू भैया सारा सामान जो है वो इकट्ठे करवा रहे हैं, और इधर दादी लोग भी जाने की तैयारी में हैं, तो दादी और मेरी जो जेठानी है दीदी वो खड़ी हुई हैं, तो बस सबकी विदा विदाई हो रही है। अभी मौसी लोग भी चली जाएंगी सब यहीं से फाइनली, और जो लोग हमारे साथ प्रयागराज से आए थे वो लोग वहीं वापस जाएंगे, तो कुछ लोगों को वहाँ जाना है, कुछ लोग हो रही है देख सकते हो आप, पानी बरस रहा है, और इधर पीछे पूरा तालाब है खाली, मौसम बहुत अच्छा है, और बारिश हो रही है, हम लोग को निकलना भी है, फोटो खींच रही भाई हो गई है देख सकते हो, मेरी साड़ी भीग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, भीगने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन डर लग रहा है ना, तबीयत का ही सबसे ज़्यादा डर लगता है आजकल के सीजन में ना, तबीयत खराब होना भी ना एक आफत की ही बात है, तो तबीयत नहीं ख़राब करना है, भीगना नहीं है। मम्मी मुझे देख रही हैं बार बार, दीदी भी देख रही हैं कि ये बारिश में लिए कैमरा लगी हुई है, और
और यहाँ पर देखो क्या खरीद रही हैं मम्मी और चाची, दोनों लोग मिलकर के क्या खरीद रही हैं। तो ये जो हरे हरे क्या बोलते हैं इसको, तोता बोल रही थी, इसी को खरीद रही हैं। और यहाँ पर अक्षत पेड़ में चढ़ रहे हैं, इनकी मस्ती चालू है। तो चलो देख सकते हो आप सब धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं और हम लोगों को बस थोड़ी देर में निकलना ही है। पर हो रहा है फ़ोटो सेशन, फैमिली फ़ोटो। तो यहाँ पर हम सभी लोग पूरे परिवार वाले अब बचे हैं तो हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो सेशन के बिना तो वैसे भी कोई फंक्शन अधूरा होता है, अधूरा अधूरा सा सब कुछ लगता है। तो बस यही हो रहा है। और यहाँ पर आंटी जी लोग हैं तो वो लोग भी फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं। काफ़ी बड़ा है बरगद का ये पेड़। इस मंदिर के आसपास का चारों तरफ का व्यू बहुत अच्छा है। और आंटी लोग पीछे परिक्रमा लगा रही हैं, बाल ना बार बार चेहरे पर आ जा रहे हैं हवा से। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और मेला में कुछ खरीदेंगी? चलिए मेला की बाजार कर लीजिए। क्या लिया दिखा? और ये देखिए इन लोगों ने शॉपिंग कर ली है। ये है मेले का कटोरा, ये है मेले की कल्चर, मेले की चाट हम लोगों ने खाई है दो दो बार। दो दो बार। ये अभी चलते हैं और सिंदूर बिंदी वगैरह कुछ लेना होगा तो मैं उसको वापस कर रही हूँ। ये देखो आद्या ने फूफा जी को कहाँ फंसा दिया है, और वो उनसे बार बार बोल रही थी कि मुझे छोटा बेबी दिला दो, छोटा बेबी दिला दो। तो ये देखो इन्होंने भैया ने छोटा बेबी दिला दिया है। और आद्या ना बहुत ज़्यादा खुश है। और आप देख सकते हो चारों तरफ मेला लगा हुआ है, काफ़ी कुछ सामान यहाँ पर मिल रहा है। और मम्मी मौसी लोगों ने खूब शॉपिंग करी है, मैंने तो कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन अभी तक ये लोग शॉपिंग ही कर रहे थे तभी हमें इतना लेट हो गया है। और अब फाइनली हमें निकलना है घर, तो अभी हम गाड़ी में आके बैठ गए हैं। और देख सकते हो अभी बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, समझ हम बारिश हो रही है, बहुत अच्छा वेदर हो गया है। पहुंच गए हैं और बारिश जो है वो खूब तेज हो रही है, एकदम झमाझम वाली बारिश हो रही है। और अभी टाइम क्या हो रहा होगा दीदी? 3:15 हो गए हैं। तो सुबह के निकले और 3:15 का टाइम हो रहा है और बारिश खूब तेज हो ही रही है। वो देखो फापू तुरंत मोड़ी, फापू ये देखो फापू से बाहर कर लो। ये फापू फापू बाय बाय। वो देखो बुआ गई, ये देखो बुआ चली गई, हम लोग भी चलते हैं घर। तो चलो हम लोग भी घर पहुंच गए हैं और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब।